जरूरी नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी अच्छी लगती है, नहीं भी लगती होगी, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ जनरली। सो जरूरी नहीं है। सो हर बंदे की का लेवल डिफरेंट है। किसी को आपको वो पसंद नहीं कर रहा, किसी को मैं पसंद हूँ, किसी को मैं बहुत बुरा लगता हूँ, किसी को मैं। बट व्हाट मोमेन आर डेट, देखिए दैट्स द रियल इशू व्हिच इज हमारे यहां, व्हिच आई फाइंड इज वेरी अननेसेसरी। दैट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट्स द टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस खत्म हो गई है। देखिए व्यूअर मैंने नहीं बनाया, व्यूअर जिनके बारे में बात हुई उन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने की है बात, हाँ उन लोगों ने व्यूअर्स बनाए हैं। जब सिंगल टीवी चैनल था, उन लोगों के बनाए हुए व्यूअर्स मेरे तक पास ऑन हुए और मेरे से अब आगे जो यंगस्टर है उसको पास ऑन। एग्जैक्टली, और यंगस्टर्स भी तो और आ गए ना। कम से कम फिर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कोई बात गलत कर दी है, बाय मिस्टेक ही कर दी है, या डिलिबरेटली कर दी है, पर्दा डाल दो ना यार। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने तो देखा नहीं था, मोमिना के बाद सबने देखा है। सो वो मैंने तो देखा ही नहीं था। वही वाली बात है ना, हमने हवाई इतनी दे दी उस मौजू को। अच्छा, अब ये मौजू ऐसा है कि जिसको पॉजिटिवली भी वो कैश कर सकते हैं अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए। really? एक हाइप क्रिएट करके, और उसको नेगेटिव भी वो उसके मैं तो डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मुझे ये जाती तौर पर लगता है कि हाँ उस मूवी के लिए भी हेल्प हो सकती है कि एक आदमी को और उसके लिए गलत भी हो सकता है। So it's a gamble. It's a gamble. एक जुआ है जो खेला है। अगर उस बात को दबा देते जो कि बहुत जरूरी था, दबा देना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में शायद अकलमंदी का तकाजा ये था कि उस बात को दबा दिया जाए। अच्छा, हम इश्यूज की बात ही कर रहे हैं। अब इससे पहले आपको पता है कि अभी हमारी इंडस्ट्री में दो मेजर इश्यूज इससे पहले एक और चीज, सॉरी आई एम कटिंग यू, डोमेस्टिक वायलेंस। नहीं, वो तो हम करेंगे। एक जो सबसे लीथल चीज हो गई है ना, वो ये सोशल मीडिया हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये कॉम तैयार नहीं थी इस चीज के लिए। इस कॉम का दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा था और इसको एक खिलौना मिल गया जो बड़ा पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हम समहाउ दी अदर बहुत नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें बहुत मुहतात होना है इस हवाले से, लेकिन नहीं हो। तब से जिंदगी मुश्किल नहीं होगी जब से हाथों में गैजेट्स आ गए, लोग मूवीज बना रहे हैं। मोबाइल इज नॉट फॉर योर के आप घर रابطे में रहें या दुनिया के साथ रابطे में। मोबाइल इज अ वेपन। आई कंसीडर मोबाइल एज अ वेपन। ओह माय गॉड, यस। अच्छा, अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है मोहसिन वाला, उस पे तो मोमिना कुछ ना बोली, उस मतलब कोई भी चैनल ना बोला। देखिए वही वाली बात है ना, जिस चीज में मेरा मतलब होगा, मैं आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मोमिना, नो नॉट एट ऑल, बट प्रोड्यूसर्स चैनल्स। ठीक है, मुझे भी राब्ता किया, बिकॉज द जेंटलमैन स्टार्टेड हिज करियर विद मी, आई नो ही वाज इन योर शो। ठीक है, लेकिन बात ये है, वो इसका एक पर्सनल मैटर है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसने चोरी की है ना, उसको फांसी दे दो। उसने चोरी की है, उसको चोरी की सजा दो। आप उसका हुक्का पानी बंद नहीं कर सकते। exactly. मुझे एक बात बताइए, exactly. कल को वो बच्चा जो कि ना समझ है या मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, वो तो डिप्रेशन में और चला जाएगा। आप डिप्रेशन में जाके वो खुदकुशी कर लेता है, तो क्या उसकी मौत का जिम्मेदार हम लोग हैं? हम सब नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। व्हाई वी डोंट रियलाइज इट? बिल्कुल होंगे। हम वक्ती तौर पे सिचुएशन को कैश क्यों करना चाह रहे हैं? मैं क्यों बड़ा होना चाह रहा हूँ उसके लिए या उसके अगेंस्ट बात करके? मैं ये क्यों नहीं रियलाइज करता अपने मुंह से अल्फाज निकालने से पहले कि मेरे इन अल्फाज से उस इंसान के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? हम सोचते नहीं। बट अगेन, मैं इस पे पर्सनल व्यू दे दूं, आई मेट द लेडी, शी केम एंड शी सॉ मी। देखो आप, देखिए मैं, पर आप ज्यादा जानते हो। अगेन आई एम कटिंग यू। बात पता क्या है, ताली कभी जिंदगी में, याद रखिएगा, एक हाथ से नहीं बचती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबडी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जस्ट हिटिंग समवन इज द इशू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। ओके, वेरी वेरी वेल, दैट्स व्हाट यू आर नोन फॉर। द पॉइंट इज, वो चीज तब तक होती है जब तक उसको होने दिया जाता है। अगर आप उसको उधर ही रोक देंगे तो वो नहीं होगी। सो जब पहले दिन हुआ था तभी आपको
छोड़ देना चाहिए था, बाहर निकल आना चाहिए। बस इतनी अकल नहीं होती ना। अकल की बात नहीं, मैं आपको मैं किसी दूर की एग्जांपल, खैर आई डोंट वांट टू, मेरे अपने अजीजों में ऐसा हुआ है एंड वी टुक अ स्टैंड, पहली दफा में ही वी टुक अ स्टैंड एंड वी फिनिश द रिलेशनशिप। द पॉइंट इज यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। आप, मैं अगर चाहता हूँ कि इफ़त रहीम साहिबा मेरी इज्जत करें तो मुझे उसके लिए इफ़त रहीम साहिबा की पहले इज्जत करनी पड़ेगी। वी डोंट रियलाइज इट, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम चाहते हैं कि इफ़त साहिबा मेरी इज्जत करती रहे और मैं उनकी ना करूँ। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि ये सोसाइटी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है कि मियाँ बीवी दोस्त नहीं है, मियाँ बीवी एक रिलेशनशिप है। दोस्त वो है जो आपका दोस्त है, दोस्त वो होता है जो आपको आपकी खूबियां और आपकी खामियां दोनों के साथ एक्सेप्ट करता है। ये दोस्त होता है, वो दोस्त होता okay. है। आप अपने और मियां बीवी का रिलेशन, बीवी का एक रिश्ता है और उस रिश्ते के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसके डिफाइंड लाइंस हैं, पैरामीटर्स हैं, एंड यू कांट क्रॉस दैट। यस, बोथ द साइड, बोथ द साइड, ठीक है ना। So, ये हम रियलाइज नहीं करते। हम बड़े फखरिया तरीके से स्क्रीन पे बैठ के कहते हैं कि हम, मैं और मेरी बेगम दोस्त है, मैं और मेरी बेगम आज तक दोस्त नहीं बने। Really? और हम, मैं बनना चाहूंगा भी नहीं दोस्त। अच्छा, मेरी is quite opposite. My best friend is my husband. You're lucky. Okay. You're lucky. Yeah, and I'm bored with my best friend, our new friends. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर पाते हो अपने बेटर हाफ से, और करनी भी नहीं चाहिए। और करनी, अच्छा, वो कौन सी बातें जो आप नहीं कर सकते? बहुत सारी बातें, जैसे मैं आज सारा दिन सेट पे, देखिए मेरे लिए, मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ, आई डोंट नो, लोग डिफर करेंगे डेफिनेटली, जो जिनका इस मीडिया से ताल्लुक है। मेरे लिए तमाम खवातीन जो मेरे साथ काम करती है ना, वो मेरे लिए मर्द हैं सब, ठीक है, और मैं उनके लिए औरत हूँ सब, मोस्ट ऑफ देम, जिनके साथ स्पेशली मेरी इतनी लंबी एक एफिलिएशन, आप हो गए, सबा हो गई, मारिया साहिबा हो गई, सवेरा साहिबा हो गई, यू नो, हमारा वक्त सेट्स पे ज्यादा गुजरा है, एंड वी हैव शेयर्ड सम लवली टाइम्स, ठीक है ना, और हम दुख सुख भी कर लेते हैं, रिमेंबर आवर ट्रिप टू नेपाल, एग्जैक्टली, दुख सुख भी कर लेते हैं, दिल की बात भी कर लेते हैं, चाहे सालों बाद मिले। देखो ना, हम जब सेट्स पे आते हैं, नोबडी कैन रियलाइज इट कि हम कितना साथ बैगेज लेकर आए। बट वन थिंग, आई अगेन, आजकल आपको मैंने देखा है कि आप सेट पे अलग कमरे में बैठते हैं। वो इसलिए मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, उसकी भी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि जो जिस अब जनरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ी सी इज्जत बचाना मुश्किल होता चला जा रहा है। कुछ तहरीकें ऐसी शुरू हो जाती हैं कि बंदा थोड़ा सा मोहताज हो जाता है। So, इससे पहले मैंने नोट किया आपको, ये मूवमेंट तो 2 साल पहले शुरू हुई, आप उससे पहले ही अलग थलग मैंने नोट किया आपको। आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन एंड आई वर्क्ड विद यू, पहले आप ज्यादा फ्रेंडली, ज्यादा वो थे, बट अब आप अपने में थोड़ा सा रहते नहीं, कभी भी नहीं, okay. Never with you guys, for God's sake. हमारा, I just noticed this at work, not when we meet. You, आपने ये बात मुझसे नहीं पूछी कि आपने मुझे फोन किया तो मैं क्यों आ गया। मैं इसलिए आ गया बिकॉज यू नो मी, मैं उसके पास कैसे चला जाऊं जो मुझे ना जानता है ना पहचानता है। वो विकिपीडिया पर डालेगा, उधर से कुछ बातें निकालेगा, और जो मुख्तलिफ टॉक शो में गुफ्तगू हो रही है वहाँ से रिसर्च करके कुछ सवाल निकालेगा और वो पूछेगा। यू गाइज नो इनसाइड आउट ऑफ मी, राइट? वी नो ईच अदर बिफोर आई थिंक आई गॉट मैरिड, आई थिंक अमंग वेरी लिटिल नंबर ऑफ पीपल, सो कहने का मकसद ये है कि कितने लोग हैं जो इस तरह करते हों और जानते हों एक दूसरे को, उनको पता हो कि इस ये इतना डीप है, इतना डीप नहीं है, लोगों को तो पता ही नहीं है। मतलब योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज एग्जेम्पलरी, आप रौनक हैं सेट पे जहां भी जाते हैं, येट आई फेल्ट कि तो जर्नी में इस जगह पहुंचे हो कि अब अपनी एक साइड पे जाके बैठना। आई हैव सीन यू के हम सब एसी वाले कमरे में बैठे होते हो, आप एक ड्राइंग रूम में बगैर एसी के, यू आर जस्ट ऑन योर फोन एंड मेडिटेटिंग और थिंकिंग।
दिस इज द चेंज आई फेल्ट व्हेन आई वर्कड विद यू इन आवर लास्ट प्ले. रियली? या. अच्छा. इमाम जामिन के दिनों में मैंने ये चेंज फील किया था. वेल, वी हैड लॉट ऑफ अदर रीजंस, बट हाँ, बट बस वो वक्त के साथ इंसान थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा दिमाग और बहुत सारी चीज़ों में बटा होता है. फिर वो कई दफ़ा आप फरावानी में, कुछ और लोग भी, नए लोग भी बैठे हुए थे वो सेट पे, तो मैं नहीं चाहता था कि वो जल्दी में कोई मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, कोई ऐसा कमेंट निकल जाए जो वो तो नहीं शायद समझ पाएंगे. आप तो समझ जाओगे, वो नहीं समझ पाएंगे और वो उसको नेगेटिव ना ले. सो इट्स बेटर टू अवॉइड पीपल. व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, आई मीन, आपके साथ काम करना या हम आपस में बात भी कर लेते हैं, सानिया हैं, हम आपस में बात कर लेते हैं, बिकॉज एक जर्नी है ना मुझे. आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट 31 years now and मुझे हो गए. Oh, I'm senior to you. मुझे almost 33-34 years हो गए. I actually started modeling at that time, na? Okay. And my first play was in 93. मैं इसी इस बात की थोड़ी सी इस बारे में बता दूँ ऑडियंस को कि हम बड़ी छोटी उम्र में आ गए थे, इसलिए टाइम लग रहा है बुड्ढे होने में. तो आप टेंशन मत, आप टेंशन ना ले, हम होने वाले हैं, हम अभी होने वाले हैं, हम धाने पे ही हैं, किसी वक्त भी हो जाएंगे. अच्छा, मैंने पीटीवी के लिए सिर्फ एक प्ले किया था और वो मेरा आपके साथ था. और मुझे अयूब खावर साहब का टूटू उसका नाम था. बिल्कुल. एंड आप मेरे उसमें ऑब्वियसली हस्बैंड बने हुए थे. मैं बड़ी तीर एक मॉडल आई हूँ और बड़ा अपनी. आपने मुझे आंखों में डाल के, आंखें डाल के डायलॉग बोला था. मैं आपकी आंखों में नहीं देख सक रही थी, इतने रिटेक्स हुए. मेरा सारा कॉन्फिडेंस आपने यू करके ना, यू वर सो इंटेंस, आई स्टिल रिमेम्बर. और मैं शोर मचा रही हूँ, मैं अनुमान की आंखों में नहीं देख सकती, मुझे कहीं और दिखाए. फिर आपने मुझे टिप दी कि मेरे कान को देखो. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है वो.